दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एमए इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। हम आप बच्चों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने वाले हैं जिसको बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हालांकि ये टॉपिक जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करने के लिए बनाया गया है और मैं ये चाहता हूं कि हर वो स्टूडेंट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ता है या जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है उसको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। अगर आप हायर लेवल की स्टडी कर रहे हो, अगर आप 11वीं 12वीं में हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है इस वीडियो की, लेकिन अगर आप हायर लेवल पर हो, अगर आप यूजीसी नेट में हो, पीजीटी इकोनॉमिक्स में हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वीडियो जरूर जरूर देखनी चाहिए और आपको समझनी चाहिए कि आखिरकार मैक्रो इकोनॉमिक्स को किस नज़रिए से देखा जाता है। तो बच्चों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अलावा हम बहुत सारे कोर्सेज और भी बनाते हैं जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। इसके अलावा ये नोट्स जो हैं वो भी आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। तो बच्चों मैं आपको चलिए समझा देता हूँ किस तरीके का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है और किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए ये सारा का सारा कंसेप्ट। तो शुरुआत होती है, एक मिनट, हाँ शुरुआत होती है। सबसे पहले अगर आपने सुना होगा तो सब लोग कहते हैं कि एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उनकी बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से और उसी से उनको इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है बच्चों के इकोनॉमिक्स पहले नहीं थी। हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक सिस्टमेटिकल विचार दिया, सिस्टमेटिकल मेथड दिया, लेकिन उससे पहले जो चलता था, मतलब आप कह सकते हो वो चलता था मर्केंटलिज्म। तो मर्केंटलिज्म से शुरुआत कर रहे हैं बच्चों, हालांकि हो सकता है इससे पहले भी कोई सिस्टम रहा हो। तो मर्केंटलिज्म एक सिस्टम था, मर्केंटलिज्म एक सिस्टम था जो लूट खसोट पे आधारित था। बेसिकली मर्केंटलिज्म एक सिस्टम था जो यूरोपियन कंट्री में पनपा और इसका जो समय रहा है वो बच्चों 16 सेंचुरी के आसपास का रहा है। बेसिकली इसके अंदर 18 सेंचुरी के बीच रहा है, देखिए ये लिखा हुआ है। और बेसिकली इसके अंदर क्या होता था बच्चों, कोई भी देश उसका यह मानना था कि जितना हो सके संपत्ति को इकट्ठा करो, क्योंकि उनका यह मानना था कि जितनी संपत्ति इकट्ठी होगी उतना ही देश अपनी सेना पे, अपने कैपिटल फॉर्मेशन पे लगा पाएगा और ग्रोथ हो पाएगी। तो बेसिकली इनका यह मानना था कि इंटरनेशनल ट्रेड वन साइडेड है। इसका मतलब देखिए मैं आपको पहले यह समझा देता हूं, एक बहुत अच्छा सा टेबल बनी हुई है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मदर कंट्री है, मदर कंट्री का मतलब मान लीजिए इंडिया, मान लीजिए इंग्लैंड है, ये मदर कंट्री हो गई। और इन्होंने क्या किया, पावर के दम पे अपनी कॉलोनी बना ली, मान लीजिए इंडिया की कॉलोनी हो गई और एक अफ्रीका कॉलोनी हो गई या साउथ अफ्रीका कॉलोनी हो गई। तो बेसिकली ये क्या करते थे, इंडिया से और साउथ अफ्रीका से दोनों से ही अपने यहां पर रॉ मटेरियल खरीदते थे, कच्चा माल खरीदते थे और कच्चा माल खरीद के जो फिनिश गुड्स है उसको हाई प्राइस पे बेच देते। यानी कि मान लीजिए उन्होंने कपड़ा खरीदा, कपास खरीदा 20 रुपए का और 200 रुपए का यहां पे बेच दिया। इसी तरीके से यहां पे मान लीजिए कोई चीज खरीदी सस्ते पर, मान लीजिए 10 रुपए में और 200 रुपए में यहां बेच दी। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि ये ट्रेड करते थे। अब मान लीजिए इंडिया को कोई चीज साउथ अफ्रीका में बेचनी है या साउथ अफ्रीका को कोई चीज इंडिया में बेचनी है तो वो डायरेक्ट एक दूसरे को नहीं बेच सकते थे, कॉलोनी एक दूसरे के साथ ट्रेड नहीं कर सकती थी, बल्कि इंडिया क्या करते थे, इंडिया को पहले मदर कंट्री को देना होता था और फिर मदर कंट्री जो है वो कॉलोनीज को बेचती थी, जिसकी वजह से कीमतें और बढ़ जाती थी। और इसकी वजह से क्या करते थे, ये जो मदर कंट्री जिनको कहा गया है ये वेल्थ एक्युमुलेशन करते थे, यानी कि जो भी पैसा आया उन्होंने उस पैसे को और इन्वेस्टमेंट करने पे लगा दिया। तो इसका मतलब है ये मान के चलते थे कि इकोनॉमी जीरो सम गेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको फायदा हो रहा है तो मुझे नुकसान होगा। इसीलिए मर्केंटलिज्म की पूरी थ्योरी है वो लूट खसोट पे आधारित है, वो इस बात पे आधारित है कि कैसे भी करके गोल्ड, सिल्वर और ऐसी प्रीसियस धातुओं को इकट्ठा किया जाए। इसलिए इस समय ट्रेड जो है वो बहुत लिमिटेड था, आप कह सकते हो बहुत कम था और इकोनॉमी का ग्रोथ जो है वो काफी कम था। तो ये जो थ्योरी है इसके बारे में मैं अलग से भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ऐसे देश क्या करते थे, हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगा के रखते थे ऐसी कंट्री पर जो कॉलोनीज होती है, यानी कि कॉलोनी अगर इसको कोई सामान बेचना चाहती है तो इसको हाई इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो बच्चों ये सब होता रहा। इसके अलावा इसका विरोध करने के लिए एक नई अप्रोच डेवलप हुई जिसको हम बोलते हैं फिजियोक्रेसी, फिजियोक्रेसी या प्रकृतिवाद इसको बोला जाता है।
इनका जो विचार था वो ये था, ये एक्चुअली एक छोटे एरिया में डेवलप हुई, ऐसा जैसे जो 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 ये वाली है मर्केंटलिज्म है वो तो यूरोप के बहुत बड़े हिस्से में डेवलप हुई, और इन देशों ने ही, देखिए आप यूरोप के अधिकतर देशों ने ही कॉलोनीज बनाई, स्पेन हुआ या पुर्तगाल हुआ, ये सब देशों ने दूसरे देशों पर जाके अपनी कॉलोनीज बसाई अपना सामान बेचने के लिए और हमारे से कच्चा माल लेने के लिए। इनका विरोध करने के लिए फ्रिजोकेसी बनी, और बेसिकली फ्रिजोकेसी का मतलब है प्रकृति पर आधारित है। इनका ये मानना था कि एग्रीकल्चर ही होना चाहिए, ये 18 सेंचुरी में बच्चों आई, और बेसिकली ये थ्योरी ये मान के चल रही है कि आप एक तरीके से प्रकृति ही सब कुछ है, नेचर ही सब कुछ है। लेजेस फेयर, देखिए पहला वर्ड यहाँ पे आया, लेजेस फेयर मुक्त कर दिया जाए, सरकार का काम कुछ भी नहीं है, सरकार का काम केवल एक तरीके से इकोनॉमी को कंट्रोल करना है, ठीक है, एजुकेशन देना, हेल्थ देना, सिक्योरिटी देना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इसके अलावा गवर्नमेंट का कोई काम नहीं होना चाहिए। इनविजिबल हैंड की बात इन्होंने सबसे पहले की, सेल्फ इंटरेस्ट की बात की, यानी कि हर व्यक्ति अगर सेल्फ इंटरेस्ट में काम करे तो इकोनॉमी का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हो जाएगा। देखिए मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं तो मेरा इकोनॉमिक्स का इंटरेस्ट सेल्फ इंटरेस्ट भी है, सोशल वेलफेयर करना भी है, और जब मैं सोशल वेलफेयर के लिए या अपने घर को संभालने के लिए, देखिए हर व्यक्ति अपने घर का पालन करना चाहता है, अगर आप कहोगे कि भाई सब चीज़ें फ्री हो जाएं तो कैसे पॉसिबल है, मुझे भी अपने फैमिली को चलाना है, आपको भी अपनी फैमिली को चलाना होगा, तो इसके लिए आप काम करोगे, और हर व्यक्ति अगर अपनी अपने लिए काम करेगा तो डेफिनेटली जो सोसाइटी है उसको फायदा होगा, ये इस थ्योरी का मानना था, ठीक है। तो इसका मतलब सिंगल टैक्स सिस्टम की उन्होंने बात की, तो इसी मॉडल को ग्रोथ सपोर्ट किया एडम स्मिथ ने, और एडम स्मिथ ने क्या किया, फिजियोक्रेसी की जो थ्योरी है उसको सिस्टमेटिकल तरीके से अरेंज किया, और यहां से हमारी फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत मानी जाती है। बच्चों मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया, जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स। अब यहां से बच्चों हम शुरू करते हैं, देखिए क्लासिकल इकोनॉमिक्स लेजेस फेयर इकोनॉमी की बात करते थे, यानी कि सरकार का नियंत्रण किसी भी तरीके से इकोनॉमी पे नहीं होना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस ही सब कुछ डिसाइड कर देंगे, इसीलिए गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, इस तरीके की उन्होंने बात की। तो इसके जो समर्थक माने जाते हैं वो एडम स्मिथ माने जाते हैं, मॉल्थस माने जाते हैं, रिकार्डो एंड जेबी से। देखिए अगर मान लीजिए मैं कोई विचार रखता हूँ, और मैं एक थ्योरी बनाता हूं कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए, और मैं उस थ्योरी में ये कहता हूं कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपने आप बढ़ेगा, तो मैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहलाऊंगा। यानी कि जितने भी इकोनॉमिक्स हुए हैं डिपेंड ये करता है कि जब वो अपना प्रिंसिपल बना रहे हैं, अपना सिद्धांत बना रहे हैं, तो वो किस तरीके की विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट का इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए, मान लीजिए मैंने कोई थ्योरी बनाई और मैंने कहा गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, तो मैं केन्जियन इकोनॉमिक्स कहलाऊंगा, केन्ज का फॉलोअर हो गया एक तरीके का। या मैं कहता हूं कि मनी ही सब कुछ है, मनी के द्वारा ही पूरी इकोनॉमिक चल रही है, मॉनेटरी पॉलिसी सब कुछ कर रही है, तो मैं मॉनेटरिस्ट या न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स हो गया। तो यहां पर जो अप्रोच है वो इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी जो अर्थशास्त्री है, जो राइटर है, वो किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो यहां पर जो भी इकोनॉमिस्ट ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमी में बिल्कुल फ्री रहनी चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस सब कुछ कर लेंगे, इनका बेसिकली ये इनका जो पूरा फोकस था वो सप्लाई साइड पे रहा, उन्होंने डिमांड को बिल्कुल फोकस ही नहीं किया। इसीलिए अगर आप जेबीसी की थ्योरी पढ़ती हो तो वो कहती है सप्लाई क्रिएटेड ओन डिमांड, यानी कि उन्होंने डिमांड वाली साइड को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और कहा कि भैया सप्लाई कर दो, एक बार सब कुछ अपने आप कर लेगी, एक बार आपने किसी गुड्स को बनाया सब कुछ अपने आप हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसीलिए फुल एम्प्लॉयमेंट को इन्होंने माना कि इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट करती है, और इनका यह मानना था कि वेज जो है वो ऊपर नीचे दोनों जगह फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब अगर कभी वे अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो वेज गिर जाएगा, फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट अगर ओवर एम्प्लॉयमेंट है तो वेज बढ़ जाएगा, फिर से आप एक तरीके से कह सकते हो कि फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को उन्होंने टेम्प्रेरी माना, इन्होंने कहा कि सेल्फ करेक्टेड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपने आप हो जाएगा, आप कुछ मत करो, सब कुछ सरकार की जरूरत में मत छोड़ो, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई सारे के सारे फोर्सेस कर देंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऐसा मानना था क्लासिकल इकोनॉमिक्स का। इन्होंने क्या माना कि फ्लेक्सिबल वेज है, इंटरेस्ट रेट भी अपने आप डिसाइड हो जाएगा, प्राइस भी अपने आप डिसाइड हो जाएंगे, इसीलिए इन्होंने सब कुछ मार्केट सिस्टम पे छोड़ दिया और किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं किया इकोनॉमी में। तो बच्चों अगर आप ये समझना चाहते हो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के क्या क्या व्यू है, तो सिंपल तरीके से आप याद रखिएगा कि कोई भी विचार अगर ये कहता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ये कहता है कि वेज रेट फ्लेक्सिबल है, ऊपर नीचे दोनों तरफ घूमता है, ये कहता है कि अगर मान लीजिए एक तरीके से कि इंटरेस्ट रेट खुद ही डिटरमाइन हो जाएगा डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा, तो ये सारे के सारे विचार क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हैं। तो क्लासिक जैसे जैसे जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, ये विचार जो है एक तरीके से चौथी
आप कह सकते हो एक तरीके से फिजियोक्रेसी पे, सॉरी मर्केंटलिज्म पे, मर्केंटलिज्म के विरोध में पैदा हुआ था क्लासिकल इकोनॉमिक्स। इसी तरीके से क्लासिकल इकोनॉमिक्स का विरोध करते हुए केंजियन इकोनॉमिक थॉट पैदा हुई। अब केंजियन इकोनॉमिक थॉट, ये भी विचार बच्चों लगभग 150-200 साल चला और एक नई समस्या पैदा हो गई जिसको बोलते हैं 1936 की या 1929 में आई ग्रेट डिप्रेशन। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना था कि डिमांड एंड सप्लाई पर सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। एक्चुअल में 1929 से पहले अमेरिका और अमेरिका के साथ कई और देशों में बहुत भारी बूम आया और काफ़ी ज़्यादा देश में एम्प्लॉयमेंट का लेवल था, ऊंचा विकास की दर थी, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं एक ऐसा वजह छिपी हुई थी जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, क्योंकि अधिकतर कंपनियां फ्यूचर में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन उन्होंने इतना ज़्यादा कर दिया कि उसकी डिमांड नहीं आई और डिमांड नहीं आने की वजह से डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। तो बेसिकली ओवर प्रोडक्शन जो है वो उस समय के अनएम्प्लॉयमेंट की वजह थी और इसीलिए केंजियन सिस्टम ने एक बात कही जिसको 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 1929 से 36 के बीच में जिसको हम बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन। और इसको दूर करने के लिए केंज का जो विचार है, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। उसके बाद हमने इसको एक नई विचारधारा पैदा हो जाती है, मार्केटलिज्म नंबर वन आया, मार्केटलिज्म के विरोध में क्लासिकल इकोनॉमिक्स आए, फिजियोक्रेसी कोई बहुत बड़ा विचार नहीं था और क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है उसका विरोध करते हुए केंज आया। केंज कहता है भैया कि चुपचाप से सरकार का कंट्रोल करो, सरकार की जिम्मेदारी है कि डिमांड को बढ़ाना, सरकार के पास पैसा है, सरकार के पास फिस्कल पॉलिसी है, इसीलिए अगर कभी मार्केट में डेफिसिट डिमांड हो जाती है तो गवर्नमेंट बहुत आसानी से उसे कंट्रोल कर सकती है। कैसे कंट्रोल कर सकती है कि अगर गवर्नमेंट का जो देखिए तीन तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं आप जानते होंगे, सी प्लस आई प्लस जी, इससे मिलता है एग्रीगेट डिमांड। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये जो चीज है ये सरकार के कंट्रोल में होता है, इसीलिए सरकार जो है वो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा सकती है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आप क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बारे को छोड़ के अगर आप केंजियन इकोनॉमिक्स के बारे में विचार करोगे तो केंजियन इकोनॉमिस्ट वो माने जाएंगे जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल को नेसेसरी मानते हैं, जो मानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जा सकता है। अगर आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जा सकता है अगर आप क्या कर सकते हो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हो, यानी कि बेसिकली अगर आप क्लासिकल मॉडल की बात करोगे तो क्लासिकल मॉडल केंज का विरोधी है। और इसके अलावा जो केंज जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के विरोधी है और ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमी जो है वो सेल्फ करेक्टिंग नहीं होती, गवर्नमेंट को उनको कंट्रोल करना पड़ता है। इसके अलावा जो वेज रिजिडिटी के बारे में भी उन्होंने बात की कि जो नीचे की तरफ वेज जो है वो रिजिड होता है, ऊपर की तरफ तो फ्लेक्सिबल होता है पर नीचे की तरफ रिजिड होता है। बच्चों क्लासिकल और केंजियन के बीच में एक डिफरेंस हम एक अलग चैप्टर में बना देंगे, तो फिलहाल हम आपको यहीं पे खत्म करते हैं। इसके अलावा केंज के बाद जो नई विचार आई वो आया मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिक्स या न्यू क्लासिकल थ्योरी। देखिए एक और विचार आया बच्चों जिसको हम बोलते हैं मॉनेटरिस्ट। मॉनेटरिस्ट ने माना कि अगर आप एग्रीगेट डिमांड बढ़ाते चले जाओगे तो आपके सामने एक नई समस्या पैदा हो जाएगी। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाए तो ये मान लीजिए एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट सप्लाई है। तो अगर आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाओगे तो आपके सामने एक नई समस्या पैदा हो जाएगी, वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन उनका ये मानना था कि अगर गवर्नमेंट चाहती है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना, देखिए मॉनेटरिस्ट इकोनॉमी भी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की बात करते हैं इन्फ्लेशन को अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, और केंजियन भी बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की, दोनों के विचार में बहुत अंतर नहीं है। लेकिन जहां पर केंजियन इकोनॉमिस्ट जो हैं वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए फिस्कल पॉलिसी को ज्यादा इफेक्टिव मानेंगे, वहीं पर जो मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं वो ये मानेंगे कि गवर्नमेंट की जगह फिस्कल पॉलिसी का जगह मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करना चाहिए। इसका मतलब उनका ये मानना है कि अगर आपको एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना है तो मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए आपका काम नहीं करेगा, मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए फिस्कल पॉलिसी काम नहीं करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी ही काम करेगी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी ही मोर इफेक्टिव है। हालांकि उनका ये मानना था कि एग्रीगेट ये जो आता है, मतलब एक तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाकर आप जीडीपी के लेवल और एम्प्लॉयमेंट को लेवल को बढ़ा रहे हो, ये केवल शॉर्ट रन में ही पॉसिबल है, लॉन्ग रन में इकोनॉमी वापस उसी जगह पर आ जाएगी। इसीलिए आप देख पाते होंगे एक नई समस्या पैदा हो गई है जिसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है बच्चों, एक ऐसी समस्या पैदा हो गई है जिसमें
एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट घट रहा है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से एक नई समस्या पैदा हुई और इसको दूर करने के लिए एक नया वर्ड आया जिसको बोलते हैं रैशनल एक्सपेक्टेशन और न्यू क्लासिकल थ्योरी। देखिए रैशनल एक्सपेक्टेशन, इनका कहा, इनका इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी का भी विरोध कर दिया। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लीजिए, ये कहते थे ना फिजिकल पॉलिसी होनी चाहिए ना मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। केंज आए, केंज ने कहा फिजिकल पॉलिसी अच्छी है, इन्होंने कहा मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी है, और ये आ गए और ये इन्होंने कहा दोनों ही खराब हैं, फिजिकल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी दोनों ही खराब हैं बिकॉज ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन। जब मुझे लगा है, देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिएगा, अमेरिका में महंगाई आ रही है, इंडिया में महंगाई है, क्यों है? क्योंकि सरकार ने ज़्यादा पैसा छापा। अब जैसी सरकार ज़्यादा पैसा छापेगी, मुझे ही पता था कि महंगाई बढ़ने वाली है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, ऐसे काम करूंगा जो मुझे महंगाई से प्रोटेक्टेड कर सके रैशनल एक्सपेक्टेशन की वजह से। इसका मतलब इनका ये मानना था कि जितनी भी इकोनॉमी है उसमें इन्फ्लेशन और आप एक तरीके से कह सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दोनों इंक्रीज होंगी अगर 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 आप मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करते हो। तो इसका मतलब है कि लुकास का जो व्यू है, देखिए क्या कहना चाह रहा है, वो इनइफेक्टिव माना उन्होंने, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं उन्होंने इसको इनइफेक्टिव माना। तो बच्चों ये हम आगे वाले वक्त में पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले हम एक बार रिपीट कर रहे हैं बच्चों आपको, केंजियन इकोनॉमिक्स ने कहा कि सॉरी क्लासिकल ने कहा कि कुछ मत करो, केंजियन ने कहा कि सरकार फिजिकल पॉलिसी यूज़ करे, मॉनिटरिस्ट ने कहा कि मॉनिटरी पॉलिसी यूज़ करे, रैशनल एक्सपेक्टेशन ने कहा कि भैया कुछ भी कर लो कोई फायदा नहीं होने वाला है आपको, क्योंकि बहुत जल्दी लोगों को पता चल जाएगा कि आपने कौन सी पॉलिसी यूज़ की है। और न्यू केंजियन जो थ्योरी है वो नई डेवलपमेंट है, न्यू केंजियन थ्योरी जो है वो फिर से उसी बात पे विचार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करना चाहिए, लेकिन इनके विचारों में बहुत बड़ा अंतर है। इन्होंने सबसे पहले तो उनको ये मानना है कि जो लोग हैं वो रैशनल हैं और रैशनल एक्सपेक्टेंसी से इन्फ्लुएंस होते हैं, ये उनका ये विचार है। इसके अलावा न्यू केंजियन इकोनॉमिक्स एज्यूम करता है कि जो मार्केट है वो इनइफेक्टिवली काम करती है और वे जो है वो स्ट्रिक होता है। तो बच्चों ये हम थ्योरी जो है न्यू केंजियन की वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यही सारा पढ़ना है आपको अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स तैयार करनी है। अब देखिए जिस लेवल पे आप तैयारी कर रहे हैं उस लेवल के हिसाब से हम पढ़ाएंगे। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि सबके विचार अलग अलग है, कोई भी इकोनॉमिस्ट एज ग्रुप के हिसाब से वो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि वो 1950 में पैदा हुआ तो वो इस वाले ग्रुप में आएगा, डिपेंड करता है वो किस विचार को फॉलो कर रहा है। अगर मान लीजिए मैं ही पूरी तरीके से केंजियन को फॉलो करना शुरू कर दूं, मैं अपनी पूरी थ्योरी में केंज के विचारों को समर्थन करूं, तो मैं केंजियन इकोनॉमिस्ट कहलाऊंगा। तो बच्चों ये सारे के सारे बातें हैं और ये वाला जो है मैं उम्मीद करता हूं इसको बोलते हैं न्यू क्लासिकल जो मॉनिटरिस्ट है और रैशनल एक्सपेक्टेशन, न्यू क्लासिकल बोलते हैं इसको, न्यू क्लासिकल यानी कि ये फ्रीडम की बात करते हैं, ना मॉनिटरी पॉलिसी चाहिए ना फिजिकल पॉलिसी चाहिए, दोनों इनइफेक्टिव हैं इसलिए इसको न्यू क्लासिकल कहा गया है, और इसको न्यू क्लासिकल बोलते हैं जो हमारा मॉनिटरिस्ट इकोनॉमिक्स के थ्रू आते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अब हम बहुत सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी पढ़ेंगे और शुरुआत तो क्लासिकल मॉडल से करेंगे, केंज के थ्रू केंज का भी पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी वीडियो बच्चों आपको हमारी एप्लीकेशन में मिलेंगी, और अगर आप चाहते हैं अच्छी तरीके से तैयारी करना, अपने इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को मजबूत करना, तो आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लें और यूट्यूब चैनल से बच्चों हमारे जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम काफ़ी सारी वीडियो यूट्यूब पर डालने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।